السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. आज का सेक्शन नंबर 9-4 आपके सवाल पर्चों की सूरत में टेबल पे आ चुके हैं। सादे मोहतरम, कुछ बंदों के खिलाफ फतवा देना है, पैसे आ गए। कितनी पेमेंट की है उन्होंने? एक पेटी। मना कर दो, पहली फुर्सत में मना कर दो। तुम्हें पता है ना, जिससे मैं फतवा देता ना, उस पेन में ही सिर्फ एक पेटी की तो हैंग लग जाती है। मना कर दो, फटाफट मना कर दो उसको। सादे मोहतरम, मेरा आपसे सवाल ये था कि मैं एक मैकेनिक हूँ। अच्छा, तो इंजन खोलने का जो सबसे अफजल वक्त है, ठीक है, बेटा आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं आपको इसका जवाब देता चलूं। इंजन खोलने का जो अफजल वक्त है ना, पहली बात तो जब तक वो कस्टमर जो आपका मौजूद है ना, उसके सामने खोलना इंजन, ये मकरू कहलाएगा। जब वो कस्टमर चले जाए, उसके बाद आप इंजन खोले और उसके अंदर रिंग पिस्टन में भी काम निकालें, आयल भी चेंज करवाए, मतलब पूरी गाड़ी इसको बोले नई तरीके से बनेगी, ये अफजल वक्त है आपका, जब कस्टमर मौजूद ना हो। बेटा इसके ऊपर शायर लिखता है कि मरने से पहले ए स्टूडेंट कर ले इस बात पर गौर, कस्टमर के सामने इंजन खोलना और है और उसकी गैर मौजूदगी में खोलना और। वाह उस्ताद मोहतरम, आप कुछ भी बात करते हो उसमें शायर छलांग क्यों मारता है? तो होगा ना, क्योंकि शायर को तो मैं अपने नाले में रखता हूँ ना। देखो बेटा, कस्टमर की गैर मौजूदगी में खोलने का इंजन फायदा भी है, बिल अपने मुताबिक बना सकते हो, 20,000 बना दो, 30,000 बना दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कस्टमर की मौजूदगी में बनाओगे फिर तो वही बिल बनाना पड़ेगा ना जो काम निकलेगा। जब भी मैं कहता हूँ कस्टमर की गैर मौजूदगी में इंजन खोलना अफजल है। अगर बेटा आप इसमें भी कामयाब नहीं हो रहे तो अकेडमी ज्वाइन कर लो, यहाँ सिर्फ आगे बैठना है मेरे साथ। और देखो मैं भी इस चीज का फायदा उठाता हूँ, उलमाए किराम नहीं है ना, अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ठीक है। और यहाँ पर मैं बिठाता भी हूँ सारे ऐसे स्टूडेंट है जो गधे होते हैं। अगर यहाँ पर मैं उलमाए किराम बिठा दूं ना, 2 दिन में मेरी दुकान बन जाएगी, 2 दिन में। आए 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 सादे मोहतरम, आपकी इंतजार कर रहे। नहीं नहीं हजरत, बैठे नहीं, अब बैठे हजरत। हजरत आपने जो डिमांड की थी वो बेटा, तमाम स्टूडेंट जितने भी हैं अभी बाहर तशरीफ लिया है, अहम मीटिंग करनी है मुझे ना। ये क्या बात हो गई यार, ये रकम उन्होंने भिजवा दी है, फतवा उनके मुताबिक होना चाहिए, उसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। कितनी पेटियां भिजवाई? 6 पेटियां आई है। 7 की बात हुई थी बेटा। एक ऑनलाइन कर देंगे आपको, पहले आप लिखो फतवा। इतनी बड़ी पेमेंट ऑनलाइन करोगे? मैं क्या पिंड से आया हूँ कराची में लाइटें देखने? मुझे नहीं घुमाओ, मैं पूरी दुनिया को घुमाता हूँ। जहाँ मैंने पूरी अकेडमी खोली घुमाने के लिए, तो मुझे घुमा रहा हूँ। होशियारी करके अभी अभी ले जाओ, वरना काम नहीं चलेगा। एक मिनट करवा रहा हूँ, क्या हो गया, इतना क्यों आगे भाग रहे हो? ऐसे वीडियो में तुम बड़े जो वो बन रहे होते हो साकी, कि मैं यूट्यूब की इनकम नहीं लेता और ये फलाने ढमकाना, यहाँ पे एक पेटी कम है तो तुम अपनी औकात दिखा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, कर देना लेकिन जाके। अभी लिखो फटाफट फतवा। उस्ताद मोहतरम, ये क्या गुमराह कर रहे हो हम लोग? अभी जाके सारी बातें तुम्हारे स्टूडेंटों को बताता हूँ। हम लोगों को गुमराह कर रहे हो, पैसे लेके फतवे दे रहे हो। अबे वो उस्ताद मोहतरम मिर्जा हम लोगों को गुमराह कर रहा है, पैसे लेके फतवे दे रहा है, पता नहीं कौन सा एजेंट आया हुआ है। चलो मारो।